माइंड ब्लोइंग, फेबुलस, फेंटाबुलस, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये मूवी के लिए, मतलब फिनोमिनल, सुपर डुपर हिट। ओके, फर्स्ट वन जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं। मैंने मूवी देखी एनिमल और मैं स्पीचलेस हूँ, बिल्कुल मेरे पास वर्ड्स नहीं है। माइंड ब्लोइंग, फेबुलस, फेंटाबुलस, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये मूवी के लिए, मतलब फिनोमिनल। कहते हैं इस फिल्म में लव, एडवेंचर्स और एक कैरेक्टर को बहुत बारीकी से दिखाया, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका ड्यूरेशन, रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट, बट कैसे शुरू होगी कैसे खत्म होगी आप भूल जाएंगे बिल्कुल, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। और रणबीर कपूर का तो रोल जो उन्होंने प्ले किया है, आई थिंक वो नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे ये रोल के लिए। सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं अनिल कपूर और बॉबी देओल, जो कि उनकी एज लेके काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, इतने ज़्यादा एज में इतने यंग दिख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपको कितने दमदार। अनिल कपूर तो है ही एक वर्सेटाइल एक्टर, इतने सालों से वो 40 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहना, बहुत ही लाजवाब एक्टर है वो, और इस मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है। और रश्मिका मंदाना, ओ माय गॉड, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है कि जलजला मचा दे बिग स्क्रीन पे। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अमित रॉय की, स्टोरी स्क्रीन पे, डायरेक्शन बहुत अच्छा है संदीप रेड्डी वोंगा का, एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। फर्स्ट हाफ तो बाबा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर बहुत फास्ट पेस्ड है, सेकेंड हाफ में आके थोड़ा सा स्लो पेस्ड हो जाती है, बट फिर जो पकड़ती है एक बार फिर से ग्रिप, ओ माई गॉड, गूसबम्स। मुझे म्यूजिक ठीक लगा, बहुत सारे कंपोजर्स हैं, लेकिन जो जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बोल्ड मूवी है, आई थिंक इतनी बोल्ड मूवी आज तक नहीं बनी होगी, तो बहुत मैच्योर ऑडियंस भी चाहिए देखने के लिए। इस फिल्म को कितने स्टार देना होगा? मैं दूंगा 5 out of 5, इट्स अ मास्टरपीस। ऑडियंस को क्या कुछ कहना? प्लीज़ इट्स एन एडल्ट मूवी, बट प्लीज़ आके देखिए, मिस मत कीजिए, इट्स अ मास्टरपीस बाय संदीप रेड्डी वोंगा। बहुत बढ़िया थी, बहुत बॉलीवुड में अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी रही है मेरे ख्याल से। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से, 5 स्टार बहुत कम है इस मूवी के लिए, काफ़ी अच्छा डिलीवर है, बहुत प्यारी है, यहाँ से रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को एडवाइस भी मिल सकती है और लोगों को काफ़ी देखने की ज़रूरत है इस मूवी को, 5 स्टार कम पड़ रहे भाई। बहुत अच्छा, बॉबी देओल का भी कैरेक्टर अच्छा था। ड्रामा नो नोट रणवीर ऑल ओवर रणवीर, ऑल ओवर रणवीर, बहुत अच्छी थी मूवी, एक नंबर। रणवीर और रश्मिका का केमिस्ट्री कैसा लगा? बहुत अच्छा था, एक नंबर। इसमें बहुत सारे बड़े नाम थे, अनिल कपूर, बॉबी देओल, उन सबके कैरेक्टर कैसे लगे आपको? कैरेक्टर सबका बेस्ट था। कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 स्टार। थैंक यू, लगी आपको? बहुत अच्छी लगी फिल्म, थैंक यू। रणवीर और रश्मिका का कैसा कैरेक्टर आपको लगा, उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? मुझे ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, सारे कैरेक्टर्स भी अच्छे थे, और रणवीर कपूर और रश्मिका और जो भी बाकी के एक्टर्स थे, एवरीबडी वाज परफॉर्मिंग एंड डूइंग द बेस्ट जॉब्स, एंड इट्स अ बेस्ट वर्क ऑफ रणवीर कपूर टिल येट, एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फिल्म। इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती, तो आई मस्ट टेल यू दैट गो एंड वॉच दिस फिल्म, 3 आवर्स लगता नहीं है इतना लेंदी जितना हमको पढ़ के लगता है, बट डेफिनेटली ओवरऑल फिल्म अच्छी है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ 4.5 out of 5। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि देखो एंड डोंट बिकम द एनिमल, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी, 5 out of 5। अच्छा था, उनको थोड़ा ज्यादा लोन देना चाहिए था, रणवीर का पूरी लग रहा था, रश्मिका मंदाना फुल वाइल्ड था, इंडियन क्रश मानी गई है, तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी रणवीर के साथ? उनकी केमिस्ट्री ठीक लगी थी, इतनी खास नहीं थी, ऑनेस्टली बोलूं तो इतनी खास नहीं लगी मेरी तरफ से। खाली ज्यादा टाइम की है और मजा आई, मतलब ऐसा बोर नहीं हुआ अपनी मूवी में। और इस फिल्म की बात करें, बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं, अनिल कपूर एंड बॉबी देओल, उनकी कैरेक्टर कैसा लगा आपको? वेरी नाइस, बाप बेटे का जो केमिस्ट्री है वो बहुत निखर के आया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और क्या बोलूँ मैं, बस एक जो केथरी जी जो अडल्ट रणबीर कपूर ने बोला था वो दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन इट्स कनेक्टेड एंड इट्स समथिंग लाइक यू पीपल, ऑल नॉर्मल पीपल कैन फील इट, दैट कि एक बाप बेटे का क्या होता है लास्ट में, वो समझाया जाता है
और बस इस फिल्म को ज़्यादा दिल पे मत लेना, बहुत खून खराब है, बहुत ज़्यादा है, बस मूवी तक ही सीमित रखो, बाहर जाके ज़्यादा वो सब मत करना और पागलपन मत करना। ओवरऑल फिल्म की बात करें, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज्यादा एंटरटेनिंग? बोथ बोथ बोथ। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? नो स्टार, लाइक व्हाट आई स्टेटेड अर्ली ऑन, एक फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगता है, कोई स्टार नहीं है, एवरीवन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई विश एवरीवन अ गुड लक एंड कम एंड वॉच दिस फिल्म। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये जानना चाहेंगे एनिमल फिल्म कैसी लगी आपको? सुपर डुपर हिट। रश्मिका मंदाना एंड रणवीर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है कि इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज अभी मतलब बहुत सारे माँ और बेटे के कॉन्सेप्ट पे फिल्में बनी है, लेकिन इसमें बाप और बेटे का जो कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा है। और फिल्म की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन से ज़्यादा एंटरटेनिंग रही आपके लिए? पूरी ही फिल्म बहुत अच्छी है, और इस फिल्म एक्चुअली ये बहुत लेंथी फिल्म है, 3.5 घंटे की फिल्म होने के बाद भी कहीं भी लूज नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। इस फिल्म के डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आई थिंक 4.5। कितने स्टार देना? 4.5। ओके, ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म को एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, उन्हें तो एटलीस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म कैसे लगी आपको? एनिमल मूवी ठीक ठाक थी, जिसमें हमारी जो एक्सपेंशन थी वो उसके लेवल पे नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में भी स्क्रीन प्ले बहुत स्लो था, फिर इंटरवल को ठीक पीक पर आता है, इंटरवल के बाद भी काफ़ी बोरिंग होता है, बॉबी देओल को तो मूवी करीबन 30-25% बच रही थी तभी उनको दिखाया है, नहीं तो मूवी में जो ट्रेलर में दिखाया है इतना खतरनाक वायलेंस है, वायलेंस है कुछ भी वायलेंस नहीं, क्या वायलेंस है, परिवार के अंदर आप एक किसी पे गलत तौर तरीके से बोल रहे, क्या वायलेंस हो गया, वायलेंट मैन हो गया वो। तो इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 2 स्टार दूंगा। थैंक यू थैंक यू। एनिमल कैसी लगी फिल्म आपको? ठीक है मैडम, अच्छी है। इसमें बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, हर किसी का कैरेक्टर आपको कैसे लगा? मैं बेसिकली एक्चुअली कैरेक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर ज़्यादा पसंद है, रणबीर एक्टिंग है, और रश्मिका मंदाना एंड केमिस्ट्री इज गुड फॉर दैट, एक्चुअली इट डन अ गुड जॉब। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा आपके? मैडम फर्स्ट हाफ भी सही है, परफेक्ट है, और सेकंड हाफ भी ठीक है। और फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहेंगे? मैडम एक्चुअली क्या मूवी में वायलेंस काफ़ी है ना, इट्स टू मच वायलेंस ऑन द मूवी, सो देयर इज नो सच अ क्या महसूस हो, सो 3 स्टार। थैंक यू। कौन सी फिल्म देखकर आ रही हैं आप? मेरे आउटफिट से तो पता चल गया होगा आपको। यस, आप गेस करने की जरूरत नहीं है, एनिमल बताना कि आप पूरे लुक कह रही हैं, तो कितने क्या कुछ आपने उस फिल्म को देखते हुए फील किया? बहुत सारे मिक्स इमोशंस थे, एक्सपेक्टेशंस था, जैसे टाइटल था मूवी का तो बहुत ज़्यादा एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो एक्शन था वो सेकंड हाफ के टूवर्ड्स बहुत कम हो गया लिटरली, सो हाँ, बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी। आपने रश्मिका मंदाना का लुक तो किया है, तो रणवीर और रश्मिका का कैसा केमिस्ट्री लगा आपको? थोड़ी सी केमिस्ट्री मुझे फीकी लगी, बिकॉज रश्मिका का जो एक्सेंट था वो ऑब्वियसली वो साउथ का एक्सेंट है, वो उनके जो डायलॉग डिलीवरी, जो उनके अभी बहुत सारा उनको ट्रोल हो रहा है कि डायलॉग समझ में नहीं आ रहे, तो वो स्क्रीन पर भी वो समझ में नहीं आ रहे थे एक्चुअली, बट हाँ अगर उनकी जगह कोई और एक्टर होती तो शी वुड हैव डन अ बेटर जॉब देन रश्मिका। इस फिल्म की बात करें मैम, तो बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, अनिल कपूर, रवि देओल, तो उनके कैरेक्टर कैसे लगे आपको? सुपर, सबके कैरेक्टर, स्पेशली अनिल कपूर जी, उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया एज अ फादर, एंड रणबीर कपूर को मैं क्या कहूँ, उन्हें तो मैंने हमेशा रोम कॉम में ही देखा है, हमेशा एक लवेबल कैरेक्टर, बट एक्शन में जो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है, अगले कई सालों तक ये उनका कैरेक्टर हमें याद रहेगा। और की बात करें तो कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 3 out of 5। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आने चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि मूवी तो हिट है। कोई सवाल नहीं उठा सकता मैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो मूवी होनी चाहिए वो मूवी नहीं है, मूवी की मतलब होती है आदमी को मैसेज देना, इसमें कोई मैसेज नहीं है उनका, ये मूवी इसमें बना के रखे है कि मतलब एक बाप के बचाने के लिए बेटा
थोड़ा जो भी कर रहा है मतलब मार काट ही कर रहा है तो हर बेटे को मालूम है, रिवेंज की स्टोरी है, रिवेंज स्टोरी है, हर बेटे को बात मालूम है कि बाप की रक्षा किया जाता है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। और मतलब ओवर एक्टिंग, इतने सारे विलन लोग आ रहे, सात लोग 300-300 पे भारी पड़ रहे, ये क्या है? बॉबी देओल विलन के कैरेक्टर में अच्छा लगा, लेकिन रणबीर कपूर के ऊपर वो हावी नहीं हो पाए, बिल्कुल उनके एक्टिंग में बहुत अच्छा रोल, बहुत कम है, 10 मिनट का रोल है, जो भी है अच्छा किया। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन सा रहा, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी है, सेकंड हाफ सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, सेकंड में स्लो, बहुत स्लो है, वो पागल हो जाएंगे, उनको सुनाएगा नहीं, उनके पेट निकल जाएंगे। कितने सॉन्ग सोनू निगम के सॉन्ग है ना शायद, अरिजीत सिंह के भी है, सोनू निगम का सॉन्ग बहुत अच्छा था, पापा मेरी जान, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। और जिस टाइम पे वो आता है सॉन्ग बहुत अच्छा है, वो बी प्राक वाला सॉन्ग अच्छा लगा मेरे को, बी प्राक का। तो अगर हम ओवरऑल फिल्म की बात करें तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 3 स्टार 3 स्टार 4 मैं 4 दूंगा। आप 4 देंगे? मैं 4 दूंगा, 4 क्योंकि रणबीर कपूर एज अ लीडर, रणबीर कपूर के एक्टिंग पे आप 5 स्टार देखते हैं, उनके एक्टिंग पे, लेकिन मूवी पे नहीं दे सकते। रश्मिका मंदाना की आपने बात देखी है, उनका कैरेक्टर और केमिस्ट्री, कैरेक्टर है ठीक ठाक, ये थोड़ा ही रोल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा रोल है, मुश्किल से पूरे पिक्चर मिलाएंगे तो 15 मिनट का रोल होगा। ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं, रिपीट वैल्यू भी अगर चाहे तो रणवीर के फैन है तो आप देख सकते हैं 2-3 बार।